सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम कैसल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया. आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में. सो आपको इन जनरल पता ही रहना चाहिए, बीइंग इंडियन यू शुड नो द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के पैराडाइज ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है. और आपको इन जनरल पता ही रहना चाहिए. एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीके सेक्शन में आपके आपको क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है. आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे चार पांच और क्वेश्चन रहेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो आपको पता रहना चाहिए सबसे पहले कि सेवन सिस्टर स्टेट्स हम किसे कहते हैं. और ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसे देखने के बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे सेवन सिस्टर स्टेट्स के नाम, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा. ओके, सो इस वीडियो को पूरा देखो. और इन जनरल हमें पता ही रहना चाहिए बीइंग इंडियन सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन सी है. तो वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड यूर त्रिपुरा. ओके, सो ये है हमारी सेवन सिस्टर स्टेट्स. तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं. ट्रिक एक सेंटेंस में है, इसकी सेंटेंस में आपको बता देता हूँ. ओके, सो सेंटेंस है अ ब्यूटीफुल 7 AM मॉर्निंग इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, सेंटेंस क्या है हमारा, अ ब्यूटीफुल 7 AM मॉर्निंग इन नॉर्थ ईस्ट. अब इससे हम सारी सिस्टर स्टेट्स को याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आप देखो सेंटेंस में AM के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है. ओके, पहला पॉइंट. और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर लिखा है तो आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में N कैपिटल लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन किया है. और ईस्ट में लास्ट जो लेटर है T, उसे कैपिटल लिख के उसके नीचे अंडरलाइन किया है, सो दैट वो थोड़ा हाईलाइटेड रहे और आपको पता रहे. फिर से एक बार देख लो हमारा जो सेंटेंस है जिससे हमें याद रहेगा, तो वो है अ ब्यूटीफुल 7 AM मॉर्निंग इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, और आपको जो पॉइंट नोट करना है तो वो है AM के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है और नॉर्थ ईस्ट के नीचे मैंने जो इनिशियल लेटर्स है जैसे N है तो उसे कैपिटल में लिख के अंडरलाइन किया है, और ईस्ट के एंड में T है तो उसे भी कैपिटल लिख के उसके नीचे अंडरलाइन किया है और उसे हाईलाइट करने के लिए. अब 7 AM ही क्यों, वाई नॉट 8 AM, 9 AM? सो सिंपल है, सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए 7 AM रखा है. ओके, 7 7 सिंपली याद रहेगा आपको. सो देख लो अब ट्रिक कैसी है. 7 AM, सबसे पहले AM इसका यूज़ क्या है, हमारी ट्रिक में AM का यूज़ क्या है. तो आप देखो AM से AP से जितनी स्टेट्स आती है सेवन सिस्टर स्टेट्स में उनके नाम आप याद रख सकते हो. 7 AM में जो A है तो उसमें देखो A से रहेगा अरुणाचल प्रदेश और A से रहेगा असम. ओके, फिर से देखो 7 AM में जो सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें A जो है तो A से रहेगा अरुणाचल प्रदेश और A से रहेगा असम. ओके, सिंपल है, आपको याद रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं है. उसके बाद में देखो M जो है, MP से हमारी तीन स्टेट्स रहेगी. MP से जो स्टेट्स रहेगी वो है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम. ओके, सो MP से जो हमारी तीन स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की तो वो है मणिपुर, ओके, मेघालय और मिजोरम. ओके, सो आई होप क्लियर है यहाँ तक. फिर से एक बार बता देता हूँ 7 AM की बात कर रहे हैं हम. सो सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात कर रहे हैं इसीलिए 7 रखा है. ओके, सिंपली आपको ध्यान में रहेगा AM में से AP से जो हमारी स्टेट्स आती है तो उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश और असम. ओके, इजी है बहुत. उसके बाद में AM में जो M है, MP से जो हमारी स्टेट्स आती है वो है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. पांच स्टेट्स के नाम तो वैसे ही हमें अब याद रहेंगे. ओके, अब नॉर्थ ईस्ट में N जो मैंने कैपिटल हाईलाइटेड करके रखा है सो N पे से रहेगा हमारा नागालैंड. ओके, सो नागालैंड 6 स्टेट भी हो गई हमारी. और T पे से रहेगा हमारा त्रिपुरा जो मैंने एंड में हाईलाइट किया है, ईस्ट के एंड में आप देख सकते हो विजिबल है. सो T से रहेगा हमारा त्रिपुरा. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट में N कैपिटल लिखा है यहाँ, सो N पे से रहेगा नागालैंड. और ईस्ट में जो लास्ट लेटर है हमारा T जिसे कैपिटल लिखा है मैंने हाईलाइट करके, T पे से रहेगा त्रिपुरा. सो सिंपल है, 7 स्टेट्स वैसे ही कवर हो चुकी है. आप देख लो सिंपल स्टेटमेंट है हमारा, जो सेंटेंस है आपको ध्यान में रखना है अ ब्यूटीफुल 7 AM मॉर्निंग इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, 7 इसीलिए सो दैट 7 सिस्टर स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं. AM पे से आप देखो लेटर्स जो है AP से दो स्टेट रहेगी आपकी, अरुणाचल प्रदेश और असम, इजी है.
एमपीएसए 3 स्टेट रहेगी, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, 5 स्टेट्स हो गई, रिमेनिंग 2 स्टेट्स जो है तो वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट से। वैसे भी हमें सिंपली पता ही रहना चाहिए कि 7 सिस्टर स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट से है। ओके, जो पैराडाइज है हमारे इंडिया का। सो नॉर्थ ईस्ट में आप देखो एन पे से नागालैंड, और ईस्ट में जो लास्ट में टी है सो टी पे से त्रिपुरा। ओके, सो अ ब्यूटीफुल 7 AM मॉर्निंग इन नॉर्थ ईस्ट। तो इस एक सेंटेंस से आप देख सकते हो, आप इजीली याद में रख सकते हो, और मुझे नहीं लगता अब आपको कभी इसमें दिक्कत होगी। एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूँ, कैपिटल्स भी आपको पता रहना चाहिए। वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है रिसेंटली, जिसमें मैंने इंडिया की जो टोटल स्टेट्स है 28 स्टेट्स, ओके, विद देयर कैपिटल्स विद देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स, वो आपके लिए बनाया है वीडियो। वो वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज, तो उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है हमारे, उसी के साथ साथ कैपिटल्स, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पर मैं दोनों वीडियो आपके लिए अटैच कर ही दूंगा। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब कैपिटल्स हमें पता रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है हमारी ईटानगर। ओके, बोर्ड पर सब मेंशन है, मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है हमारी ईटानगर। उसके बाद में असम की बात की जाए, सो असम की कैपिटल है हमारी दिसपुर, इजी है। मणिपुर की बात की जाए, सो मणिपुर की कैपिटल है हमारी इम्फाल। ओके, मेघालय की बात की जाए, सो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मिजोरम की बात की जाए, सो मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। ओके, सो आइजॉल इजी है, ध्यान में रख सकते हो आप। नागालैंड की बात करें, सो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और उसी के साथ त्रिपुरा की बात करें, सो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। बोर्ड पर सब मेंशन है, आप नोट करके रख सकते हो। इन जनरल आपको पता ही रहना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ऑलरेडी पता ही है। सो मुझे नहीं लगता अब आपको कभी कोई भी कन्फ्यूजन होगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन सी है, तो बस एक सेंटेंस याद में रखना है, अ ब्यूटीफुल 7 AM मॉर्निंग इन नॉर्थ ईस्ट। तो 7 AM में से 7 तो इसके लिए है सिंपली कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। AM में का जो ए है, ए से रहेगा अरुणाचल प्रदेश एंड असम। एम पे से रहेगी 3 स्टेट्स। ओके, वो है आपकी मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। और जो लास्ट 2 स्टेट से हमारी, तो वो नॉर्थ ईस्ट से रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में जो एन है कैपिटल, एन पे से रहेगा नागालैंड, और ईस्ट में जो टी है एंड में, सो वो भी हाईलाइट करके रखा है आपके लिए, सो टी पे से रहेगा त्रिपुरा। सो इसी तरह से 7 स्टेट्स जो है तो आप ऐसे सिंपली याद में रख सकते हैं, और उनकी कैपिटल्स भी हमने देख ली है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, ओके, असम दिसपुर, मणिपुर की कैपिटल जो है आपको पता ही रहना चाहिए, मणिपुर की है इम्फाल। ओके, उसके बाद में मेघालय की बात की जाए शिलोंग, उसके बाद में बात करें आपके मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की बात करें सो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ओके, सो आई होप अब आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल एग्जाम कैसल को फॉर रेगुलर सच अपडेट्स। ओके, और वीडियो के एंड में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। हमारे इंडिया की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो कहती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ओके, सो हमेशा विविधता में एकता बनाए रखना है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हमें वही सिखाती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में देखा जाता है, न्यूज़ में बहुत होता है कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी स्टूडेंट्स स्टडी करने जाते हैं वहाँ, तो उनके साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया जाता है, थोड़ा वायलेंस होता है उनके ख़िलाफ़। तो ये बिल्कुल गलत है। जितना प्यार आप अपने देश से करते हो, उतना ही प्यार नॉर्थ ईस्ट का हर पर्सन हमारे देश से करता है। इस बात को समझो, सब हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, और हमेशा एकता बनाए रखो। सो हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और अपनों के बीच में ही डिस्क्रिमिनेशन करना, ये तो बहुत गलत बात है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ मैच्योर पर्सन, हमें हमेशा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, और हमारे भाई बहनों के साथ अपनों जैसा व्यवहार ही हमें रखना चाहिए। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट घूमने गया था,
इतने यानी मुझे बढ़िया लगा वहाँ पर जाके, इतनी ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी थी, इतने अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी स्वीट पर्सन। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स भी नॉर्थ ईस्ट से है और हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है। तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल्स में, और मैं सबों से उम्मीद करूँगा कि आप भी जो हमारा कल्चर कहता है, हमें सिखाता है विविधता में एकता, तो इसे बनाए रखें। ओके, हर किसी को रिस्पेक्ट दे। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में देखो आपको कैसा रिस्पेक्ट मिलता है, वैसा ही रिस्पेक्ट आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टूडेंट्स को भी देना है। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो और सबों के साथ प्यार से रहो, यूनिटी बनाए रखो। ओके, आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियन। ओके, और नॉर्थ ईस्ट तो हमारा पैराडाइज है। तो आज के वीडियो में हमने बात की 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया की। सो आई होप अब जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सिंपली और इन जनरल भी आपको पता रहना ही चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।